दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनों को सिखाओ चैनल में और मैं हूं नदीम खान। तो दोस्तों अगर आपने अपने मोबाइल में इस प्राइवेट जोन ऐप के अंदर अपने फोटो या फिर वीडियो को छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था और अगर वो आपके मोबाइल से डिलीट हो गए हैं तो इस तरीके से आप उन डिलीट हुए फोटो या फिर वीडियो को वापस ला सकते हैं अपने मोबाइल में। तो कैसे वापस लाएंगे तो चलिए आपको तरीका बता देते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए तरीका आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो के जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे आपको जाना है और इस वीडियो को कमेंट में आपको बताना है कि आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का है। आपका ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, लिनोवो है, माइक्रोमैक्स है, जो भी कंपनी का आपका मोबाइल हो तो आपको उस कंपनी का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मेरा है ओप्पो है तो हमने यहाँ पर ओप्पो लिख के आपको कमेंट कर देना है। ये काम आपको ज़रूर कर देना है, आपको ज़रूर बताना है कमेंट में कि आपको कौन सी कंपनी का मोबाइल था। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का निशान दिखेगा, सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब के बाद में यहाँ पर एक आपको घंटी दिखेगी, आपको इस घंटी के निशान को भी ज़रूर यहाँ पर आपको दबा देना है। तो आपको अब अपने मोबाइल में उस वाले फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड की, जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से, ये हो गई, स्टार्ट नाउ कर देते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी आप फोटो या फिर वीडियो को वापस कर पाएंगे। ये तरीका है प्राइवेट जोन ऐप के बारे में। अगर आपके मोबाइल से पैसे डिलीट हुए हैं या फिर कोई और एप्लीकेशन से आपके डिलीट हुए हैं तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर नीचे आना है और आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन है जो का शो हिडन फाइल, इसको आपको ध्यान से चालू कर लेना है। ये आपको ज़रूर ज़रूर चालू करना है वरना कुछ भी आप कहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को इधर से साइड से कर देना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में चलना है, जिसको हम लोग फ़ोन मेमोरी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको कोने पर जाना है, यहाँ पर तीन बिंदी पर, और यहाँ पर व्यू के निशान पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडियम डिटेल के निशान पर ओके कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो आपने अपने प्राइवेट जोन ऐप के अंदर जितनी भी फोटो वीडियो छुपा रखे थे वो वहाँ से रीड हो गए, तो आप उनको यहाँ से वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा जिसका नाम है .gbywnor6bqgigil6। तो आपको इस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर आपको चार फोल्डर मिलेंगे, तो आपको पहला वाला फोल्डर जो है ओपन कर लेना है। तो आपने अपने प्राइवेट जोन ऐप में जितने भी फोल्डर से फ़ोटो छुपा रखे थे वो सारे फोल्डर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप ये वाला जैसे हम फोल्डर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी फाइल मिल जाती हैं। तो ये फाइल क्या है, ये फाइल है फ़ोटो, लेकिन ये फ़ोटो इनक्रिप्ट हैं, ये फ़ोटो आपके गैलरी में भी नहीं दिखेंगे ना ही फाइल में दिखेंगे, ये फ़ोटो आप कहीं से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर आप साइज़ के हिसाब से पता लगा सकते हैं, 135 KB है, 147 KB, तो ये फ़ोटो ही हैं। तो आपको इन फ़ोटो को सभी को डिक्रिप्ट करना होगा तभी ये आपकी गैलरी में दिखेंगे, तभी ये फ़ोटो ठीक होंगे। तो यहाँ पर आप उसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रीनेम के निशान पर ओके कर देना है और यहाँ पर लिखा हुआ इनपुट ए न्यू नेम, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है फ़ोटो, फ़ोटो आपको लिख देना है। स्पेलिंग अगर गलत हो जाती तब भी कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर ओके कर देना है, यहाँ पर आपको लिखना है JPG, तो यहाँ पर आपको JPG ही लिखना है। यहाँ पर एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, JPG ही आपको लिखना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे फ़ोटो ठीक हो जाएंगे और ये आपके सही हो गए, लेकिन ये अभी आपके गैलरी में नहीं दिखेंगे। तो आपको इनको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से सिलेक्ट ऑल कर लिया है। यहाँ पर आप कट वाले निशान पर ओके करके इस वाले फोल्डर से इन फोटो को मूव करके कहीं और पर पहुँचा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कट पर कर देते हैं। उसके बाद अपने आपको उंगली से इस तरीके से स्वाइप कर देना है, इस तरीके से करना है। तो आप इन फ़ोटो को कहाँ पर पहुँचाना है, तो हम इंटरनल स्टोरेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू फोल्डर पर ओके कर देते हैं। और यहाँ पर ओके कर देते हैं तो एक फोल्डर हमारे फ़ोन में नया आ जाएगा। तो ये फोल्डर नया आ गया, तो इसके अंदर ही हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, मेरे सारे फ़ोटो जो हैं वो यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से हमने एक फोल्डर से फ़ोटो निकाले हैं। तो हम फिर से वहीं चलते हैं अब जिस जगह पर पहले थे वही वाले फोल्डर में, और यहाँ पर आपने और दूसरे फोल्डर में भी फ़ोटो छुपा रखे थे। तो जैसे अभी आपने फ़ोटो ठीक करे इस तरीके से आप बाकी के फ़ोटो को भी ठीक कर लें और वहाँ पर पहुँचा दें नए वाले फोल्डर में। उसके बाद आपको दूसरे वाले फोल्डर में आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने अपने फ़ोन में जो प्राइवेट जोन ऐप में वीडियो छुपा रखी थी वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो हम जैसे कि यहाँ पर शेयर्ड वाला ओपन कर लेते हैं, वीडियो है,
तो यहाँ पर एक वीडियो यहाँ पर मिल गई है, इस तरीके से यहाँ पर इसमें चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं, ये आ गया। तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियो हैं, तो अब आपको वीडियो कैसे पहुँचाना है वहाँ पर, तो आपको वीडियो को सभी को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से सिलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ पर आपको रीनेम के निशान पर ओके कर देना है, रीनेम पर, और आपको यहाँ पर डाल देना है इनपुट ए न्यू नेम पर आपको कर देना है। यहाँ पर आपको लिख देना है वीडियो VIDEO वीडियो लिख देना है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिखना है MP4 तो यहाँ पर आपको MP4 लिख देना है और आपको ओके कर देना है। तो अब आपकी ये सारी वीडियो ठीक हो जाएंगी। अब आप ये वीडियो यहाँ से ले लें, सिलेक्ट करें और सिलेक्ट ऑल करके इन वीडियो को कट पर करके, मतलब इस फोल्डर से आपको मूव करना है, तभी ये आपकी गैलरी में आपके MS प्लेयर में दिखेंगी। तो कट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी उंगली को इधर से इस तरीके से करते हैं इसे स्वाइप और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में फिर आ जाएंगे और ये वीडियो भी हम उस वाले फोल्डर में ही कर देते हैं जो कि नया फोल्डर बनाया था, जहाँ पर मैंने फ़ोटो अभी डाले थे। यहाँ आ गए, पेस्ट ही कर दिया तो सारे फ़ोटो वीडियो यहाँ पर आ गए। तो मैंने दो फोल्डर में आपको निकाल कर दिखाया, आपने जितनी फोल्डर आपके हों यहाँ पर, आप सभी फोल्डर से इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप मुझसे कोई भी बात कॉल पर पूछना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, उसमें मैंने अपना नंबर बताया है, उस पर आप मुझसे कॉल करके कोई भी बात पूछ सकते हैं। और जो ये वाला फोल्डर है, अगर ये फोल्डर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, आपने अपने मोबाइल को रिस्टोर कर दिया है, मतलब फैक्ट्री डाटा रिसेट कर दिया है, या आपने इस फोल्डर को ही अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया है, तो आप फोटो वीडियो को वापस नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।